साथियों नमस्कार। सुभी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज साथियों जैसा ट्वेल्थ के एग्जाम फ्री हो चुके हैं, एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए जेट की बेहतरीन क्लासे लेकर के आ रहा हूं सुभी क्लासेस के माध्यम से, जिसमें आज सबसे पहला मेरा हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का परिचय रहेगा। आज हम शुरुआत करते हैं उद्यान विज्ञान की बेहतरीन क्लास के बारे में जानेंगे और वो पॉइंट जानेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर्स में बनते हैं और आने वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, उद्यान विज्ञान की। किसकी बात करते हैं, उद्यान विज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मींस, कहने का तात्पर्य है कि जो हॉर्टिकल्चर है दो शब्दों से मिलकर के बना है। किससे बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। अब वो दो शब्द कौन से हैं जो दो शब्दों से मिलकर के बना है हॉर्टिकल्चर। पहला एक है आपका हॉर्टस, क्या है, हॉर्टस, और दूसरा शब्द है आपका कल्चर। कल्चर हॉर्टस माने यहां पर तात्पर्य है उद्यान से, और कल्चर से तात्पर्य है खेती या कृषि, या यूं कह दूं उगाना। ये मुख्य रूप से किस भाषा का शब्द है, तो हमने ये जाना है जहां पर लॉजी लगा होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है दोस्तों, और जिस शब्द के अंत में कल्चर लगा होता है वो शब्द लैटिन भाषा का होता है। यानी यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है दोस्तों। और किस भाषा का है, अगर पूछा जाए कि किस भाषा का शब्द है, तो भाषा कौन सी है, लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। मीन्स उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, हॉर्टस यानी उद्यान, कल्चरा या कल्चर मीन्स खेती या उगाना, मीन्स इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जिस शब्द के अंत में लॉजी लगा है ग्रीक भाषा के अंतर्गत आता है, और जिसके अंत में कल्चर लगा होता है वह शब्द लैटिन भाषा का होता है। अगर मैं इसके परिभाषा की बात करूं दोस्तों, किसकी बात करूं, परिभाषा की बात करूं, तो परिभाषा में ध्यान देने की जरूरत है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फूलों का, फलों का, सब्जियों का, औषधीय मसालों का इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहते हैं। किसके किसके बारे में बताया मैंने कि मीन्स कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम किसका किसका अध्ययन करते हैं, तो फूल, फल, सब्जी या उसके अलावा औषधीय पौधे, औषधीय पौधों के अलावा मसाले वाली फसलों का भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वह साथ ही साथ मेडिसिन प्लांट्स इत्यादि का अध्ययन करते हैं, सुगंधीय पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उद्यान विज्ञान कहते हैं। उद्यान विज्ञान मीन्स हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फूल, फल, सब्जी या औषधीय पादप, मसाले वाले पौधे आदि का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस शाखा को हम उद्यान विज्ञान कहते हैं। मसाले वाली फसलों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उद्यान विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा हो गई। मैं पुनः एक बार रिपीट करता हूं, उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस भाषा के अंतर्गत आता है, किस भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, हॉर्टस प्लस कल्चरा, हॉर्टस माने उद्यान, कल्चर माने खेती या उगाना, और मैंने परिभाषा बताई कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फल, फूल, सब्जियों या औषधीय पादपों आदि का या मसालों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उद्यान विज्ञान कहते हैं।
अगर हम बात करें उद्यान विज्ञान के फादर कौन है, पिता कौन है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं डॉक्टर विलियम कैरी। कौन है? डॉक्टर विलियम कैरी को उद्यान विज्ञान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर विलियम कैरी क्या कहलाते हैं? उद्यान विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं, पिता कहा जाता है। डॉक्टर विलियम कैरी को उद्यान विज्ञान का पिता कहा जाता है। उद्यान विज्ञान के अंतर्गत कुछ मुख्य शाखाओं की हम बात करते हैं। पोमोलॉजी यानी फलों की खेती का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी एक अपवाद है जिसमें लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा समाहित हैं, इसलिए इसको अपवाद माना जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों की खेती का अध्ययन करते हैं। ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर पुष्पों की खेती का अध्ययन करते हैं। आर्बोरिकल्चर दोस्तों वृक्ष झाड़ियों आदि का अध्ययन करते हैं। अन्य शाखाएं भी है लेकिन ये कुछ मुख्य शाखाओं की मैं बात कर रहा था आपसे। जैसे मैंने कहा सबसे पहले नंबर एक पे सब्जी, तो सब्जी, दूसरा मैंने कहा पुष्प, फिर उसके बाद मैंने तीसरे नंबर पे फल या चौथे नंबर पे मैं कह दूं झाड़ियां। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब्जी पुष्प, पुष्प किसके अंतर्गत, कौन सी शाखा, फ्लोरी कल्चर, कौन सी, फ्लोरी कल्चर। सब्जी किसके अंतर्गत है, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। उसके अलावा फल तो मैंने कहा पोमोलॉजी, किसके अंतर्गत, पोमोलॉजी के अंतर्गत। और उसके अलावा झाड़ियां या वृक्ष जो आते हैं आर्बोरी कल्चर, किसके अंतर्गत, आर्बोरी कल्चर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अगर सब्जियों का अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर्गत, ओलेरी कल्चर, पुष्प है तो फ्लोरी कल्चर, और फल है तो पोमोलॉजी, झाड़ियां है आर्बोरी कल्चर। जिसमें आपको बता दूं कि पोमोलॉजी अपवाद स्वरूप है, मींस इसमें ग्रीक व लैटिन दोनों भाषा के शब्द आते हैं। और इसके बाद इसको मैं हटा करके आगे चलता हूं कुछ पढ़ते हैं। उद्यान विज्ञान डॉक्टर विलियम कैरी इसके पिता हैं, जनक कहलाते हैं। आगे क्रम में हम चलते हैं तो कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि शाखाओं के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेष वैज्ञानिक हैं और उनकी खोज है, वो विशेष आपके लिए एक अध्ययन होगा और मार्किंग होगी। लैटिन भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अब मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं पहला बिंदु, तो सब्जी उत्पादन की अगर मैं बात करूं, सब्जी उत्पादन, सब्जी उत्पादन में भारत की अगर मैं बात करूं तो स्थिति क्या है, दूसरे स्थान पर है, जबकि चाइना प्रथम स्थान पर है। सब्जी उत्पादन में क्या बताया मैंने, चीन प्रथम, जबकि भारत दूसरे स्थान पर आ जाता है, भारत दूसरे स्थान पर आ जाता है। और उसके अतिरिक्त अगर राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना की बात करूं तो 2005 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना कब हुई दोस्तों, 2005 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 2005 में हुई। जबकि राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना 1989 में जयपुर में हुई। किसकी बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की, राजस्थान में उद्यान निदेशालय, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निदेशालय की स्थापना कब हुई, तो 1989, कहां पर हुई, जयपुर में। कहां पर हुई दोस्तों, जयपुर में, जिसको पिंक सिटी, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, वहां पर राजस्थान में, मींस जयपुर जो आपका
मींस राजधानी है, यहाँ राजस्थान की उद्यान निदेशालय की स्थापना की गई, कब की गई, 1989 में की गई। तो तीन तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो स्थापना कब की गई, दूसरा ये स्थित कहाँ है, और उसके अलावा कहाँ पर किस जगह पर है, तो राजस्थान राज्य में है। उसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदु पर, एल एच वैली सब्जेक्ट विज्ञान के पिता कहलाते हैं। क्या मैं कह रहा हूं, एल एच वैली, इनको क्या कहा जाता है, तो सब्जी विज्ञान का पिता कहा जाता है, सब्जी विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एल एच वैली को, एल एच वैली को सब्जी विज्ञान का पिता कहा जाता है। उसके अलावा डॉक्टर एम एस रंधावा भारतीय अलंकृत बागवानी के पिता हैं। यहां पर ध्यान देने की बात है कि मैंने कहा भारतीय अलंकृत, अलंकृत बागवानी के पिता, अलंकृत बागवानी के पिता कौन है, एम एस रंधावा, एम एस रंधावा। आप 11th की बुक पढ़ते हैं या अन्य बुके, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है भारत में कृषि का इतिहास, डॉक्टर एम एस रंधावा के द्वारा लिखी गई है, जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है भारत में कृषि का इतिहास, डॉक्टर एम एस रंधावा के द्वारा। और डॉक्टर एम एस रंधावा भारतीय अलंकृत बागवानी के क्या कहलाते हैं, मींस पिता कहलाते हैं। उसके अलावा गुलाब के प्रजननकर्ता, गुलाब के प्रजननकर्ता, प्रजननकर्ता कौन है, तो डॉक्टर बीपी पाल, कौन है, डॉक्टर बीपी पाल, इनको गुलाब के प्रजननकर्ता के रूप में जाना जाता है। एच ए जॉनसन को मिस्टर ऑनियन के नाम से जाना जाता है, एच ए जॉनसन, जॉनसन को मिस्टर ऑनियन के नाम से जाना जाता है, मिस्टर ऑनियन के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं आगामी आने वाली जेट सुपरवाइजर अन्य परीक्षाओं में। तो मींस यहां पर ध्यान देंगे, सब्जी उत्पादन में चीन प्रथम, भारत दूसरे स्थान पर है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना 2005 में की गई, राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना 1989 में जयपुर में की गई, एल एच वैली सब्जी विज्ञान के पिता कहलाते हैं, भारतीय अलंकृत बागवानी के पिता एम एस रंधावा जिन्होंने भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है, गुलाब के प्रजननकर्ता डॉक्टर बीपी पाल को माना जाता है, एच ए जॉनसन को मिस्टर ऑनियन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर जी कल्लू टमाटर के पिता कहलाते हैं, यहां लिख देता हूं डॉक्टर जी कल्लू, डॉक्टर जी कल्लू, इनको टमाटर का पिता कहा जाता है। किसका, टमाटर पर इन्होंने कार्य किया, तो टमाटर का पिता कहा जाता है इन्हें, किन्हें, डॉक्टर जी कल्लू को टमाटर का पिता कहा जाता है। अगस्टिन पिरामस डी कैंडोले व्यवस्थित उद्यान विज्ञान के पिता कहलाते हैं, यानी सीधा मैं लिख देता हूं डी कैंडोले, डी कैंडोले को किसका पिता कहा जाता है, तो उद्यान विज्ञान का, वो भी व्यवस्थित उद्यान विज्ञान का पिता कहा जाता है, व्यवस्थित उद्यान विज्ञान के पिता, कौन है व्यवस्थित उद्यान विज्ञान के पिता, तो डी कैंडोले को व्यवस्थित उद्यान विज्ञान का पिता कहा जाता है, जबकि इनका पूर्ण नाम है दोस्तों अगस्टिन पिरामस डी कैंडोले। उसके अलावा एचपी आलमो को अंगूर प्रजनक के रूप में जाना जाता है, ये पहले का लिखा हुआ मैं हटा रहा हूं, उस जगह पर लिख रहा हूं, एचपी आलमो को अंगूर का प्रजनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, एचपी आलमो, एचपी आलमो को अंगूर यानी ग्रेप्स का क्या कहा जाता है, जनक या प्रजनक कहा जाता है, एचपी आलमो को अंगूर का प्रजनक माना जाता है, अंगूर का प्रजनक माना जाता है। उसके अलावा
राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना 1984, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना, तो 1984 में राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना 1984 कहां पर हुई, तो गुड़गांव मींस जिसका नाम चेंज हो चुका है गुरुग्राम, कहां पर है, हरियाणा में हुई। कहां पर, हरियाणा में हुई। किसकी स्थापना, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना 1984 में गुड़गांव या गुरुग्राम हरियाणा में हुई। उसके अलावा विश्व में भारत को मसालों का घर कहा जाता है, विश्व में भारत को मसालों का घर कहा जाता है। उसके अतिरिक्त ICAR के उद्यान विज्ञान के प्रथम निदेशक डॉक्टर KL चड्ढा थे, मींस ICAR के प्रथम जो निदेशक थे उद्यान विज्ञान के वो कौन थे, डॉक्टर KL चड्ढा। एक एरो साइन लगा करके और लिखता हूं कि ICAR यानी मींस क्या है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के जो प्रथम उद्यान विज्ञान के निदेशक थे वो कौन थे, प्रथम उद्यान विज्ञान के निदेशक वो कौन थे, तो डॉक्टर KL चड्ढा ये प्रथम निदेशक थे। तो इस तरह से आज की क्लास थी कि शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर के बना है। मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं, हर्टस मीन्स उद्यान, कल्चरा माने खेती या उगाना। उसके अलावा परिभाषा बताया कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फलों का, फूलों का, सब्जियों का, मसालों का, औषधीय पादपों का अध्ययन करते हैं उसे उद्यान विज्ञान कहते हैं। उद्यान विज्ञान के जनक डॉक्टर विलियम कैरी हैं। इनकी मुख्य शाखाएं बताई, पोमोलॉजी फलों की खेती का अध्ययन, ऑलेरिकल्चर सब्जियों की खेती का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर पुष्पों का अध्ययन, आर्बोरी कल्चर वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। सब्जी उत्पादन में मैंने बताया चीन प्रथम, भारत द्वितीय है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना 2005 में हुई और राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना 1989 दोस्तों जयपुर में हुई। LH वैली सब्जी विज्ञान के पिता कहलाते हैं। MS रंधावा भारतीय अलंकृत बागवानी के पिता हैं जिन्होंने भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक लिखा। गुलाब के प्रजननकर्ता डॉक्टर DP पाल हैं। HA जॉनसन मिस्टर ऑनियन के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर G कल्लू टमाटर के पिता कहलाते हैं। उसके अलावा D कैंडोले व्यवस्थित उद्यान विज्ञान के पिता हैं और HP आलमो अंगूर के प्रजनक हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना 1984 को गुरुग्राम हरियाणा में की गई और विश्व में भारत को मसालों का घर कहा जाता है और ICAR के उद्यान विज्ञान के प्रथम निदेशक डॉक्टर KL चड्ढा हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नेक्स्ट क्लास पुनः लेकर के आऊंगा मेंजीफेरा इंडिका यानी आम की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।